मोटिवेट करके आई हूँ क्योंकि हमारे आसपास जितने भी डैड के जितने भी फ्रेंड्स थे मुस्लिम्स हर क्रिश्चियन हर रिलीजन के थे तो कोई सेलिब्रेशन का मौका नहीं छोड़ते हैं बिकॉज हमारे फ्रेंड्स हमारे घर पे दिवाली मनाने आते थे वी यूज टू गो फॉर द ईद सो दिस इज नथिंग न्यू टू मी ऑल्दो बीइंग इन इंडस्ट्री तो और सब कुछ न्यूट्रल है एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू मैम दैट शी इज सेटिंग एक्चुअली न्यू एग्जांपल्स बट या आई एम एंजॉयिंग इट एंड इट्स अ सेलिब्रेशन सो बाय द वे हैप्पी रमजान एवरीवन मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आप मेरा ड्रेसअप देख सकते हैं ज़्यादातर बोला जाता है कि पार्टी में और मैं इस जो हमारे यहाँ जो इफ्तार पार्टी है और जो हमारे मुस्लिम है वी आर यू नो हम लोग उसके बहुत क्लोज हैं आर एस के एवरीबॉडी एंड थैंक यू मैम फॉर दिस इफ्तार पार्टी इट्स वंडरफुल अरे हमारे कंपोजर सिंगर जिन्होंने हमारी फिल्म में जान डाली है वन एंड ओनली आप लोगों को बहुत जल्दी इनका गाना सुनने को मिलेगा मैं ऐसा नहीं है कि मेरी हम लोग की फिल्म का गाना है तो ऐसा बोल रहे हैं लेकिन वो आने वाले वक्त का डेफिनेटली सुपर हिट गाना रहेगा क्या बोलते हैं सारे आई थिंक सारे गाने बहुत ही हमेबल हैं सोलफुल हैं और मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा गाया दिलशाद भाई ने बवाल मचाया दिलशाद भाई आप कुछ बोलिए अभी हाँ जी बस मैं शुक्रिया अदा करूंगा दिव्या फिल्म्स का विक्रम जी का मैम का सारी टीम का कि आज उन्होंने जो ये इफ्तार पार्टी रखी है और बस दुआ है कि आगे खूब तरक्की हो और फिल्म सुपर डुपर है